दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। और यहाँ पर Realme Narzo 20 हो चुका है लॉन्च 10,500 रुपये में। तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और साथ में स्लो मोशन का भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जिसमें आप 1080p तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर कैमरा UI की, तो आपको सेम देखने को मिल जाता है जैसे कि अभी Realme के फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, Realme 7 Pro वगैरह जितने भी फ़ोन लॉन्च हुए हैं। और इसमें आपको दोस्तों सारे मोड देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन देखने को मिलती है, क्रोमा बूस्ट आपको देखने को मिल जाता है, HDR देखने को मिल जाता है, फिल्टर्स दोस्तों देखने को मिलते हैं। AI वाला कैमरा है दोस्तों, तो इसमें आपको AI मोड में भी जो सारी ऑप्शंस होती है वो भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों कैमरा यहाँ पर भरपूर है सारी ऑप्शंस के साथ। तो दोस्तों ये है यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो इस फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आप दिन में तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से स्लो मोशन यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाओगे, अगर दोस्तों आप बात करें थोड़ी लो लाइट की तो वहाँ पर आपको ज़रूर दिक्कत आएगी इस फ़ोन में। लेकिन दोस्तों इस फ़ोन का जो स्लो मोशन है वो मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगा, ठीक ठाक सा आप यहाँ पर कह सकते हो। तो दोस्तों ये यहाँ पर फ़ोटो बिना AI के क्लिक हुई है और ये 12 मेगापिक्सल से एक्चुअली, क्योंकि इसमें सैमसंग वाला सेंसर आपको प्रोवाइड किया गया है उससे ली है। और आप देख सकते हैं कि क्वालिटी ठीक ठाक से आपको देखने को मिल जाती है और डिसेंट ही बोलूँगा दोस्तों। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर क्रोमा बूस्ट ऑन करोगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको कलर्स वगैरह इस फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे और पिक्चर काफ़ी अच्छी यहाँ पर दोस्तों निकल कर आई है। आप दोस्तों कलर्स देख सकते हैं इस पिक्चर में कितने अच्छे निकल कर आए हैं। दोस्तों अगर बात करें पोर्ट्रेट शॉट की तो इसमें आपको कोई भी डेप्थ सेंसर प्रोवाइड नहीं किया गया है डेप्थ मेजरिंग के लिए, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी इंप्रेसिव पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों आपको डेप्थ क्रिएट की गई है, मतलब कि जो ब्लर है फ़ोटो के पीछे, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से आया है। दोस्तों ये फ़ोटो में अगर आप एज डिटेक्शन की बात करें तो काफ़ी अच्छे से की गई है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगलिंग में दोस्तों ये कैमरा नहीं पड़ा है, काफ़ी अच्छे शॉट निकल कर आए हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल वाला शॉट जो कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल कड़कड़ाती धूप में दोस्तों कैप्चर किया है। तो इस फोटो में दोस्तों आपको शार्पनिंग लेवल और कंट्रास्ट लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों ये भी 48 मेगापिक्सल वाला शॉट है और इस शॉट में भी आप देख सकते हैं जो कलर्स वगैरह है वो काफ़ी अच्छे हैं। डायनामिक रेंज भी मुझे बहुत सही लगी दोस्तों 48 वाला जब आप यूज़ करोगे यहाँ पर मोड। दोस्तों जूम करने के बाद आप देख सकते हैं जो डार्क एरियाज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से क्लियरिटी आपको देखने को मिल जाती है जूम करने के बाद। तो डेफिनेटली दोस्तों 48 मेगापिक्सल अच्छा है। दोस्तों क्रोमा बूस्ट प्लस HDR जब आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर फ़ोटो निकाल सकते हो। आप देख सकते हैं दोस्तों ये शिमला में मैंने क्लिक की है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने शूट की है यहाँ पर Realme Narzo 20 के बैक कैमरे से और इसमें आपको 12 मेगापिक्सल बैक कैमरा देखने को मिलता है। कलर्स वगैरह मुझे काफ़ी सही लगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। दोस्तों इस फ़ोन में आपको EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है और ना ही आपको 4K का सपोर्ट देखने को मिलता है और ये वीडियो मैं यहाँ पर ट्राइपॉड से बना रहा हूँ। तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जिससे आप 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको अगर सही में बताऊँ तो यार फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, बाकी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पर फ्रंट कैमरे से ली हुई सेल्फी और सेल्फी में दोस्तों ये पोर्ट्रेट मोड है और काफ़ी अच्छे से दोस्तों ये पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर एज डिटेक्शन कर लेता है, काफ़ी अच्छे से कलर्स ये डिटेक्ट दोस्तों कर लेता है, तो आपको ज़्यादा इशू यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर बात करोगे लो लाइट की तो यार दोस्तों आप देख सकते हैं कि लो लाइट में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, जबकि ये दोस्तों उतनी भी ज़्यादा लो लाइट कंडीशन अभी नहीं है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर वाइड एंगल लेंस की तो यार 10,499 रुपये में आपको यहाँ पर वाइड एंगल भी देखने को मिलता है। दोस्तों क्लियरिटी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पर, तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं है दोस्तों। 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा प्रोवाइड किया गया है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इस फ़ोन में मुझे एक ही शिकायत है, वो है दोस्तों इसके मैक्रो लेंस से, जो 2 मेगापिक्सल का है उससे अच्छा दोस्तों आपको डेप्थ सेंसर दिया होता तो ज़्यादा काम आता। आप देख सकते हैं दोस्तों ना क्लियरिटी है और ना ही ये ढंग से दोस्तों यहाँ पर पिक ले सकता है। लेकिन दोस्तों अगेन अगर आप यहाँ पर 48 मेगापिक्सल वाला शॉट लोगे तो काफ़ी इंप्रेसिव शॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी दोस्तों मैंने शिमला में यहाँ पर क्लिक किया है, तो यार आउटडोर में दोस्तों इस कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है।
दोस्तों ये मैंने यहाँ पर नाइट में मून की फ़ोटो ली है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से इसने दोस्तों फ़ोटो क्लिक की है। तो नाइट में दोस्तों ठीक ठाक से आप यहाँ पर शॉट ले सकते हो सोशल मीडिया पे डालने के लिए। तो दोस्तों ये भी फ़ोटो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइट में दोस्तों ली है और इसमें आपको नाइट मोड देखने को मिलता है इस फ़ोन में। उसको मैं दोस्तों जैसे ही ऑन करूँगा आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंप्रेसिव शॉट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। दोस्तों आर्टिफिशियल आपको थोड़ा लगेगा लेकिन दोस्तों शॉट काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर रिज़ल्ट की Realme Narzo 20 की, तो मैं बोलूंगा दोस्तों अभी तक का ये 10,500 रुपये का बेस्ट स्मार्टफोन दोस्तों आपको मिल सकता है। इसमें 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा, 6000 mAh की बैटरी है और दोस्तों कैमरा तो क्या ही बोले 48 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाता है।